नमस्कार, आइए आज बनाते हैं लींगड़ की सब्जी। लींगड़ की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बनाने में भी बहुत ही आसान होती है। इसे बनाने के लिए इन्हें खुले पानी से धोने के बाद इस तरह से इसके रेशे निकाल लीजिए, फिर इन्हें बारीक काट लीजिए। कटी हुई लींगड़ को उबलने के लिए रखिए और इसे 5 से 10 मिनट तक उबालिए। ठंडी होने पर इन्हें जाली पर डाल दीजिए। अब इसमें तड़का लगाने के लिए मसाला तैयार कीजिए। प्याज को बारीक काटिए, टमाटर का पेस्ट बनाइए, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, मेथी दाना, नमक, साबुत जीरा, धनिया पाउडर, कटा हुआ लहसुन और साबुत मिर्ची को तैयार रखिए। तेल को कढ़ाई में गरम कीजिए। गरम होने पर उसमें साबुत मिर्ची और जीरा को भून लीजिए। थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें कटा हुआ लहसुन मिलाइए। लहसुन को ब्राउन होने तक भूनिए। अब इसमें कटा हुआ प्याज मिलाइए। प्याज को लगातार चलाते हुए भूनिए और इसे ब्राउन होने पर इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, मेथी दाना मिलाकर मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट मिलाइए। पेस्ट को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब इसमें नमक मिलाकर धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक टमाटर को पका लीजिए। अब इसमें उबली हुई लींगड़ को मिलाइए। लींगड़ को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे 5 मिनट तक ढककर रखिए। 5 मिनट बाद इसका ढक्कन उठाइए और इसे खुले में ही 2-3 मिनट तक और पकाइए। तो लीजिए, अब हमारी लींगड़ की सब्जी पककर तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, तो इसे आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।